अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी, ये सुबह सुबह का टाइम है, मैं उठी थी कि ये वाला दरवाज़ा खोलती हूँ हवेली का, ताकि ठंडी हवा आ सके। बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी, दिन चढ़ते ही इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि गर्मी में सांस बंद हो रही थी। और मैं साथ ले रही थी ड्रिंक, जो मैं अपना वेट लूज का ड्रिंक पीती हूँ। तो ये सुबह नहारूँ मुझे लाजमी पीना होता है, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसके साथ में जो पाँव में स्वेलिंग थी वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। और ये सारा मैं धान जो है धूप से भरा रहता है सारा दिन, और हवा भी बंद थी। सुबह सुबह का टाइम था तो हवा भी बंद थी, तो घुमा लगा हुआ था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने कहा चलो जी स्टार्ट करती हूँ गर्मी के साथ साथ। तो अम्मी सुबह सुबह उठती हैं नमाज़ वगैरह से फारग हो के, फिर वो कुरान पाक की तलावत करती हैं, बच्चे भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिलके कुरान पाक की तलावत करती हूँ। अच्छा जी, तो आज मैं बनाने लगी हूँ ये साबत मसूर की दाल, और साथ पे ये नए चावल। कितने ये देखिए, ये नए चावल भी बनाने लगी हूँ। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ हो, आराम से ब्लर हो गए। अच्छा जी, जिसको भी नज़र आ रहे हैं आ जाओ नज़र, रिंग बड़िंग रिंग टिंग नज़र आ रहे हैं। अच्छा मैं ऐसे दिखा देती हूँ। हाँ जी, ये वाले नए चावल बनने लगे हैं और ये साथ में पुराने चावल बनने लगे हैं, क्योंकि ये पुराने चावल जो हैं वो आशा के लिए हैं, नए चावल जो हैं बाकी दूसरे का, क्योंकि ये नरम बनते हैं तो आशा ये नहीं खाती, ये खिलखिले बनते हैं तो कुछ अफराद हैं वो ये नहीं खाते। तो ये तीनों का मिक्सअप बनने लगा है। और ये मसर दाल की जो रेसिपी है आगे भी मैंने शेयर की हुई है। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब सबसे पहले पहुंच सके। तो अम्मी जी बना रही हैं धनिया, मेरी माँ के कदमों में जन्नत है और मेरी माँ के पाँव कितने चीटे चीटे हैं। अम्मी तक नहीं बना लो। अच्छा क्या कर रही हो? अच्छा पेट के साथ हो रही थी इसमें। हाँ जी, हाँ बादल भी बने हुए हैं, धूप भी है, दुआ करें जी अल्लाह बारिश डाल दें। बहुत गर्मी आ तो इतनी सांस बंद हो रही है ना, क्या बताऊँ, दिन चढ़ते ही हशर नशर हुआ है। और हमने कहा इसी खुश में दाल चावल पका लेते हैं, दाल चावल बना लेते हैं। ये बच्चों ने जो सारा अंदर भर धोया है, बच्चे काम कर रहे हैं। मेरी तो तबीयत कितने दिनों से ठीक नहीं है। अच्छा ये टेबल भी ठीक करो, साफ करो, ये चेयर वगैरह जो ना सारी इधर लाइन वाइज रखो। ये मैंने बनाने लगी, इसके ऊपर कोने बस लगा दो। स्केचर किधर है? स्केचर अब आपके पास है। आपा को बोल रहा ना, आपको तो देखो दाल गिर गई, तो मैं भी दाल चावल बना रही हूँ। ओह सारी दाल गिर गई है जी, तो मैं देखती। अच्छा जी, तो ये मेरी शेल्फ जो है ना काफ़ी गंदी हो चुकी है, तो इसको मैं साफ करती हूँ। ये गए तो इधर बार टेबल पर रख देती हूँ। बच्चे जो है इतना खाना खाते नहीं, कल का ये आलू कीमा मैंने फिर बनाया था, आलू की भुजिया बना के फिर आलू कीमा बनाया था, मगर बच्चे जो है वो नहीं खाते, वो कहते हैं हमने बड़ा गोश्त नहीं खाना। तो इसलिए जी कहते हैं कि मैं अगर चाहे चिकन का कीमा ही क्यों ना बना लूँ, मगर उन्होंने कहना ये बड़े गोश्त का कीमा है। तो कटिंग बोर्ड जो है मैं उठा लेती हूँ, क्योंकि ये जो छोटे छोटे काम होते हैं बच्चों के
करने के लिए होते हैं। अच्छा ये जो है ना मेरा ये टिफ क्लीनर बहुत ही अच्छा है जो कि अभी ख़त्म हो चुका है, मगर इससे जो मेरी शेल्फ वगैरह हैं साफ काफ़ी हद तक साफ हो जाती है। मैं मशीन को भी ऐसे स्प्रे कर देती हूँ, तो सारी चीज़ों को ऐसे स्प्रे कर देती हूँ फिर साफ कपड़ा मार के साफ करती हूँ। काफ़ी हद तक साफ हो जाता है, काफ़ी हद तक नहीं काफ़ी सारे साफ हो जाता है यूजली। तो मैं शेल्फ को क्या करूँगी, अब मेरे पास है एक्स्ट्रा डस्टर गुजर गया है, मैं ढूंढ के लाती हूँ। शोर ना करो यार, जितना भी बच्चों को कहना शोर ना करो जी। तो जी ये मेरी ये वाली शेल्फ जो साफ हो चुकी है जी, मेरी ये वाली शेल्फ साफ हो चुकी है। अब चावल मैंने दाल एक साइड पे रख दी है चूल्हे पे, दाल भी मैंने ऐसा कुछ नहीं डाला, सिर्फ देसी लहसुन डाला है, सब्ज़ मिर्चें डाले सब्ज़ मिर्चें इसी लाल मिर्च कुटी लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है और लहसुन जो मैंने आपको बताया वो डाला है। इसको पानी कहाँ से आ रहा है, ये प्रेशर मुझे बहुत तंग कर रहा है। कुंडा भी हो गया, ये देखो कुंडा हो गया कुंडा। तो अब मैंने क्या करना कि मैं नए प्रेशर लूँगी, बहुत डर लगता है इसमें। हल्का कर देती गैस कहाँ से निकल। अच्छा ये पानी भी बॉइलिंग हो चुकी है, बॉइल हो चुका है, तो मैं इसमें चावल डाल देती हूँ। पहले मैं एक बना लेती हूँ चावल जो नए वाले हैं। अच्छा ये गर्म में पीछे हो जाओ, तो दूसरा मैं बना लूँगी क्योंकि पुराने चावलों को टाइम लगता है भीगने में, तो इसलिए कुछ हो जाए गर्मी बहुत ज़्यादा है। एक जो ये कवर डिशी है हमारा जीना राम का जी रखा हुआ है, कितने ज्यादा आज बहुत ज्यादा गर्मी है, इतनी ज्यादा गर्मी है कि मैं बता नहीं सकती कि काम करना तो ऐसे ऐसे जैसे झूठी हो, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, सोना जाना बन गया, बादल भी बने हुए हैं मगर अल्लाह जी बारिश आ जाए, मेरा तो सांस बंद हो रहा है इस गर्मी में। अम्मी खोल दें, अम्मी ये देखिए बादल भी बने हुए हैं, धूप भी है मगर सुकून नहीं है। आई थिंक ये रात तक अंधेरी है, बारिश आएगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये कहीं जो तो मेले पे जाते हैं लोग उनको पता है ये आगे गर्मी के जो मौसम होते हैं वो देखिए चील उड़ रही है। तो मेलों का ये दिन होते हैं यहाँ पे, पीढ़ी का मेला, पीढ़ी का मेला जब वो पीढ़ी का पता नहीं मुझे क्या कहते हैं भीड़ी उर्दू में कहते होंगे, हम पंजाबी में कहते भीड़ी का मेला, जब भी ये भीड़ी का मेला आता है ना तो अंधेरी वगैरह काफ़ी आती है। तो मुझे लगता है कल उनका पहला दिन था मेले का, आज दूसरा था, तो अंधेरी स्टार्ट हो जाएगी। अंधेरी जब भी आएगी मैं आपको वीडियो ज़रूर बना के अपलोड करके दिखाऊंगी कि वाकई अंधेरी आती है जो अल्लाह के मानने वाले होते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी आई, तो गर्मी में सांस बंद हो रही है, सुबह से जब से दिन चढ़ा हुआ है ना तो सांस बंद हो रही है, इतनी गर्मी लग रही है क्या बताऊँ मैं आपको। कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, खाना बनाना कैसे मौत नजर आ रही है, तो फिर क्या करें, नहीं कह रही झटपट जो पक जाए, ज़्यादा इतना कुछ बनाने को दिल नहीं कर रहा। गर्मी का तोड़ अगर कुछ नहीं दिल कर रहा पकाने को तो देखे कुड़के ठंडी को। तो जी ये दाल मैंने 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर बंद किया था, तो प्रेशर बंद करके मैंने इसको पका दिया था अच्छे से, ये देखे गल चुकी है। तो अब मैंने धनिया डाला है और साबुत पिसा गर्म मसाला डाला है, तो मज़े ले लेके खाएं, झटपट यही खाना बन सकता है। तो बंद करते हैं और चावल भी दोनों बन चुके हैं, तो इधर की
ठीक है। तो आज मैंने एक बात करनी थी कि मेरे मामा के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जरूर प्रेस करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।